सोहे कैसे हो तुम सब? तो मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी वो वर्कआउट व्लॉग आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। उसमें पेपर्स भी चल रहे हैं कंटिन्यूसली, डेज के हिसाब से प्रॉपरली। मंडे को पेपर, ट्यूजडे को पेपर, वेनसडे को पेपर, रेस्ट ही नहीं मिल रही है। एंड आज फ्राइडे है, ठीक है। आज 13th of September है, फ्राइडे है। एंड आज मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बतानी है तुम लोगों को कि कल मेरा पेपर है, कल मेरा आखिरी पेपर है, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम है। बट आज द वन एंड ओनली भुवन बाम हमारे पुणे में आ रहे हैं। एंड पुणे में भी कहाँ पे आ रहे हैं? वो मॉल ऑफ मिलेनियम में, ओके, जहाँ मैं काम करता था। हमारे घर से पीछे ही मॉल ऑफ मिलेनियम है, मैं वाकड़ में ही रहता हूँ, ओके। एंड जहाँ पे मैंने मेरे यूट्यूब का माइक खरीदने के लिए काम किया, एक महीना मैंने वहाँ पे काम किया था, ठीक है, जो भी। एंड वहीं पे उसी मॉल में आज भुवन बाम उनकी ताज़ा खबर प्रमोट करने आ रहे हैं, उनके पूरे कास्ट के साथ में। एंड मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कल पेपर का क्या होगा, ठीक है, पढ़ लेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है एंड मैं लिख दूंगा उसमें अच्छा। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो बहुत अच्छे से रेडी होता है, देन उसके बाद मैं चलते हैं, देखते हैं इवेंट में क्या होता है। आई होप कि मैं भुवन बाम से मिल सकूँ, उनसे मैं बात कर सकूँ, उनसे मैं इंटरेक्ट कर सकूँ। देखते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी मेरे इंस्पिरेशन है। एंड यार वो यहाँ आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना मेरे लिए तो है। तो चलो रेडी होते हैं, उसके बाद में निकलते हैं। तो मेरी तबीयत ख़राब है, बट यार हम कहीं जा रहे हैं, इवेंट में जा रहे हैं, अटेंड करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा प्रॉपरली जाना चाहिए ना। तो बस उसके लिए ही थोड़ा अपन फेस वॉश करेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपरली रेडी हो जाएंगे। एंड फिर मेरा एक फ्रेंड आ रहा है मैत्रेय, हम दोनों मिलके जाते हैं। घर के पीछे ही है तो हम पैदल ही जाएंगे, इतना तो कुछ दूर भी नहीं है। और अगर मेरे ऑडियंस में से कोई भी मिल रहा है तो यार हम मिलेंगे, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है। तो मेरी तो ऑडियंस बेस थोड़ी कम है फिलहाल, बहुत ही कम है, अभी मैं बहुत छोटे लेवल पे हूँ। कोई बात नहीं, एक दिन हम भी बनेंगे। ओके, सो हम लोग रेडी हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे हम दिख रहे हैं। देखो, तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली ही चीज़ें हैं। देखो, हम कभी भी ना फ्रेश होके नहीं जाते हैं, कॉलेज हो गया, किसी से मिलने हो गया, तो हमें क्या लगता है कि हम बुरे दिखते हैं। हमें लगता है कि यार मेरा फेस कट अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो हम इस पर भी आते हैं। तो बोलने का बात बस ये आ रही है यहाँ पे कि कभी भी कोई इंसान गंदा नहीं दिखता है, फिर अच्छा नहीं दिखता। हमें ना अपने आप को मेंटेन करके चलना होता है। एंड जैसे हम धीरे 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 अपने आप को मेंटेन करते हैं ना, वैसे वैसे हमारे लुक्स, हमारी फेशियल टोन्स हो गई, उसके बाद में ये जो एक्ने वैक्ने आती है लोगों को, पिंपल्स आते हैं, ये सब सुधरते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अपने आप को मेंटेन करना शुरू करो, ठीक है। प्रॉपरली फेस वॉश करना, प्रॉपरली हेयर्स का केयर करना, ठीक है, ये सब। क्योंकि मेरे पास में नहीं था ये सब, मुझे नहीं पता था ये सब होता भी है। और मैं लड़का हूँ, लड़कों को घंटा फर्क पड़ता है खुद के लुक्स के ऊपर, उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, पैसा, ठीक है। तो वही चीज होती है, तो मैं ध्यान नहीं देता था। बट अभी मुझे समझ में आया है बाय द टाइम कि लुक्स भी मैटर करते हैं, उसके बाद में फेस कट मैटर करता है, और वो मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कुछ दिख रहे हैं, अभी शूज वूज पहन के रेडी होते हैं। एंड मैत्रा को कॉल लगाते हैं, पूछते हैं भाई कहाँ है तू, आ जाओ जल्दी, क्योंकि अभी हम 5 बजे का इवेंट है, हम निकल रहे हैं 2:40 to 2:50 को, 3 बजे तक पहुंच जाएंगे, 2 घंटे अर्ली हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है बहुत गर्दी होने वाली है, इसलिए मुझे फट से आगे की सीट पकड़नी, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी, मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि हाउ टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि आपकी आपकी जाके बात हो ही सके, आपके साथ, आपकी उनके साथ में इंटरेक्शन हो सके, फोटो सेल्फीज हो सके, आप उनको अपने बारे में बताओ। क्योंकि ऐसे मीटिंग्स से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा, तो ये सब चीज़ें होती। ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ मैं, बट क्या करूँ, अपने वीडियोज ही ज्ञान वाले हैं, तो उसी के लिए फॉलो करो मुझे। ओके, सो ही इज मैत्रेय, हाय भाई आ चुके हैं, अभी हम दोनों चलते हैं। यहाँ से बस 10-15 मिनट की दूरी पर ही है, देखते हैं, हम अर्ली जा रहे हैं, 2 घंटा, 5 बजे का इवेंट है। बस आई होप कि हम दोनों मिल पाए, तेरे को मिलना है? जरूर भाई। तो दिस इज द फीनिक्स मॉल ऑफ मिलेनियम एंड हम लोग पहुँच गए फाइनली फाइनली तो
द प्रॉब्लम इज मतलब हम पहुंच गए बट मॉल में ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे जहाँ पे जहाँ से समझ के आ रहा है कि इवेंट इस जगह पे हो रहा है। ठीक है, अभी देखेंगे हम, फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ इवेंट होने वाला है और कैसे होने वाला है। ठीक है। अरे भाई क्या कर रहे थे यहाँ पे? सो मैं और कार्तिक वी आर एट द स्टेज। अभी हम लोग रुके हुए हैं, 5 का इवेंट है, देखते हैं अभी कितने बजे आते हैं। और गर्दी बहुत हो गई ऊपर नीचे हर जगह, देखते हैं अभी। कार्तिक इज माय फ्रेंड जो हम लोग साथ में वाउ मोमोज में काम करते थे। देखते हैं कार्तिक अगर मेरे को मिला पाता है तो अच्छी चीज़ हो जाएगी बहुत। अभी ऐसा कुछ हुआ है जो मैं बता नहीं सकता और मैं अंदर से इतना हर्ट हो चुका हूँ। मेरा उम्मीद, मेरा सब कुछ टूट गया। अभी मैत्रे बताएगा क्या हुआ। अरे भाई मैं क्यों बताऊं, तू ही बता। नहीं तू ही बता भाई, मेरे को एनआईमियत मैनेजमेंट था ना भाई, क्या बताऊं। उनसे बाउंसर तक नहीं मंगवाए जा रहे थे क्या यार। सच में बता रहा हूँ मैं, चीज क्या हुई ना, चीज क्या हुई, बहुत क्राउड था ऑब्वियसली, भुवन बाम है, इतना क्राउड तो रहना ही रहने वाला है। बट मॉल के मैनेजमेंट को लगा कि सस्ता इंसान है कोई तो आया नहीं होगा ऐसे वैसे, एंड ज्यादा क्राउड नहीं होगा। बट क्राउड इतना था, उनके मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, उनका बाउंसर अच्छे नहीं थे, पूरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इनका ये पहला इवेंट था शहर एंड नहीं हो रहा था अच्छी से। इनके थोड़ी सी गलती है, देखो क्राउड की भी गलती थी थोड़ी सी, बट दे शुड अंडरस्टैंड कि क्राउड नहीं होगा, तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। क्राउड भी थोड़ा शांत था, 15-20 मिनट के लिए शांत था, बट स्टिल वो लोग इतना कर रहे थे ना, उनका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था। एंड भुवन बाम बस आए, बस उन्होंने 2 मिनट का झलक दिया एंड उसके बाद क्राउड इतना अनकंफर्टेबल हो गया कि चले गए। एंड उनका समय था, उनका चीज था, काम था कि क्राउड मैनेज करना, बाउंसर्स रखना, बट प्रॉपरली हुआ नहीं सी। प्रॉब्लम्स हो गए एंड मेरे को तो इतना बुरा लग रहा है, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे को ब्लड टेस्ट के लिए बोला था, बट मैं होप में आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट मैंने वो ऑरा फील किया, मैंने वो क्राउड फील किया जो एक इंसान के पास, एक इंसान कमाता है मतलब YouTube के थ्रू, वो जर्नी के थ्रू लोग अपने आपसे इतना कनेक्टेड हो जाते हैं। तो दैट इज द वेरी गुड थिंग आई लर्न कि धीरे धीरे सब चीजें होता है, यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड वही चीजें है, एक दिन हमारी भी होगी। मैं चाहता हूँ कि हम भी ऐसे आगे बढ़ें।